और कैसे चल रही है प्रिपरेशन आपके? ठीक चल रही है सर। अभी बचा क्या है जो अभी हमारा साइकिल चल रहा था रिवीजन वाला, इसमें? इसमें वैसे तो आपको कुछ ज्यादा बचा नहीं है, लगभग सारा कवर्ड हो गया। साइंस एंड टेक थोड़ा रह गया, बस जो बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स हैं वो, और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री थोड़ी सी रह गई। मतलब तो ये मार्च में ऑलमोस्ट कंप्लीट है सारा। हाँ बाकी सब एक एक बार रिवीजन हो गया है सबका। ओके, स्कोर तो डिसेंट है आपके, लगभग ठीक ही ठाक है, मतलब बहुत हाँ ज्यादा ट्रबल का वो नहीं। एवरेज एवरेज टाइप में है। हमारे स्कोर्स अच्छे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें एक दो चीजों पे, मतलब अब यूपीएससी के अलाइन होकर के क्या क्या करना है, ठीक है? जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे रेलेवेंट है वो है सब्जेक्ट्स, कि आपका स्ट्रॉन्ग से लेके वीक, किसी का पॉलिटी बहुत स्ट्रांग होता है, किसी का इकोनॉमी, तो आपके ऑलमोस्ट सारे सेम ही लेवल पे रहे हैं मैंने जहां तक स्कोर कार्ड आपने हाँ चेक किया। वो हाँ ये सेम ही है सब, सारा सेम ही है। तो ऐसा आपको मतलब लगता है किसी में कि आप ज्यादा कंफर्टेबल है? मतलब थोड़ा हिस्ट्री में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, बाकी जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स लगभग एक जैसे ही हैं। बाकी सब एक कैसे? हाँ ठीक है, तो अभी अब तो मार्च में मान लीजिए आपका साइंस हो जाएगा, ठीक है? हाँ तो साइंस में जैसा हमारा था 9th 10th और 11th के जो दो चैप्टर्स थे, चैप्टर 2 3 और 12th के चैप्टर 30 to 60 जो हमने डिस्कस किया था क्या करना है, ठीक है? वो हो गया। फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेकेंड, जब अप्रैल, पूरा अप्रैल जो हमारा रिवीजन का प्लान है उसमें हम टारगेट करेंगे ओके कि जो कोर एरियाज थे जहाँ पे मेजर फोकस करना था, जो मैंने बताया था क्वालिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक और एनवायरमेंट, तो इसमें ऑलमोस्ट आपका कॉमन है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ज्यादा वीक है, ये सब एक बराबर है। हाँ ये सब एक जैसा है। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पिक कर लेंगे, हम लोग उसके हिसाब से 1 31st को बैठ के टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है? ओके और उसमें एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे फोकस करना है अब वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और एक जो रिवीजन में हमें जो चीज मेन फोकस करना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्वालिटी इकोनॉमी कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हैं ना, तो आपका जो ब्रेन है यस ना वो बेसिकली क्या करेगा कि आपको जो चीजें याद है ना वो उस चीज को देखेगा और आपको ये करेगा कि हाँ चलो याद है याद है याद है, ठीक है? जैसे आप लक्ष्मीकांत भी पढ़े इतनी बार, बट आपको ही पता है 100% नहीं याद जी सर, क्या कह रहे हैं? पार्डन? है। लक्ष्मीकांत भी आपने इतनी बार पढ़ लिया है बट 100% याद नहीं होगा, अभी नहीं सेवेंटी नहीं नहीं एट्टी नहीं बहुत हुआ 90, हाँ ठीक है? 70 to 80% रिटेंशन है। हाँ, तो अब जब आप रिवाइज करिएगा ना तो आप इसी 70 to 80% पे आपका फोकस होता है, बाकी 10 20% पे नहीं होता है। तो अब जब आप रिवाइज करिएगा ना तो दो फेजेस में करिएगा, एक तो जो नॉर्मल ये आपका साइकिल है कि जो बनता था वो एक बार चेक कर लिया, ठीक है? इसके बाद जो मेजर मेजर टॉपिक्स है ना, जैसे चैप्टर 7 से 34 मैंने बताया कि वो मेजर है, प्लस प्रीएम्बल एक टॉपिक है वो मेजर है, ठीक इसमें है आप थोड़ा सा रिवर्स साइकिल यूज करिए कि आप ये चेक करिए कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मेरे छूटे हुए, ठीक है? जैसे फंडामेंटल राइट्स ही है तो हो सकता है आपका उसमें सब कुछ कवर हो, बट हो सकता है लास्ट के आर्टिकल 28 29 30 31 ये मिसिंग हो, 33 34 ये मिसिंग हो, कई बार यहाँ पे हम गड़बड़ करते हैं, हाँ है ना? 358 359 में डिफरेंस नहीं याद होता है कई बार हमें, तो ये सारी हाँ चीजें हम मिस कर जाते हैं। तो रिवीजन को इस दो फेजेस में आपको रखना है, एक में आपको ये देखना है कि मुझे ये चीज रिवाइज करनी है जो आपने ऑलरेडी किया हुआ आपको पता है, दूसरा जो जो चीज आपकी मिसिंग है उसको करना है, ठीक है? आपको वो फाइंड आउट करना है। ओके अगर ये कर लिया ना तो जो होता है ना कि हमने रिवाइज किया फिर भी क्यों गड़बड़ हो रहा है वो काफी कम हो जाएगा आपका। हाँ सर, मतलब तो लक्ष्मी कार्ड में तो सर मतलब वो तो जब भी आप उसको नया बार पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज देखने को मिल ही जाती है। हाँ, तो हम इस पर डायरेक्ट टारगेट ही ऐसा करेंगे ना कि नया है क्या उसमें, ठीक है? तो ये चार हमारा ऑलरेडी फिक्स है, मतलब ये चार सब्जेक्ट हमारे हैं कि करना है, और ये चारों में आप लगभग सेम कंफर्ट जोन में है, तो आप हाँ जैसा भी आपको अच्छा लगे एक साथ दो सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट हम उसको टाइम टेबल एक बना लेंगे, ठीक है? और साइंस हो जाएगा 31 को, तो 31 को इसका टेस्ट लिख करके, और अगर आप फर्स्ट हाफ में टेस्ट लिखते हैं तो मैं कोशिश करूंगा 1 तारीख को सुबह डिस्कस करने का आपसे 11 12 बजे, ठीक ओके है? नो प्रॉब्लम। तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा साइंस में कहाँ पे आप लाइक करते हाँ मतलब जैसे कि जो करंट अफेयर्स रिलेटेड साइंस एंड टेक है वो तो करंट अफेयर्स के साथ में कवर हो ही गया है। जो हैं। थोड़ा स्टैटिक पार्ट है साइंस एंड टेक का, जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या
जो बायोलॉजी के 12th क्लास के आखिरी के जो 3-4 चैप्टर्स हैं वो रहते हैं। हाँ ठीक है, तभी 2 दिन है, वो तो हो जाएगा, 29 है हाँ तो वो तो हो जाएगा। इनको कर लीजिए आप। फिर ये हो जाएगा, जब 20 दिन 25 दिन लगेंगे उसके बाद हिस्ट्री बचेगी, हिस्ट्री ऑलरेडी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो उसको रिवाइज कर हाँ लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में बस मॉडर्न इंडिया तो कवर हो चुका है पहले, लेकिन थोड़ा एंशियंट और मेडिवल थोड़ा रहता है, तो वो कवर करना है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग मेजर एरिया उस टाइम पे एक बार चेक कर लेंगे क्या क्या करना है। ओके अच्छा, उसकी वैसे एंशियंट और मेडिवल की मैंने नोट्स भी बना रखे हैं, तो ऐसा सच मुझे पूरा पढ़ने की वो नहीं है, तो वो मैंने शॉर्ट में नोट्स बना रखे हैं उनके एंशियंट और मेडिवल के, तो वो मेरे पास 20-25 पेजेस के नोट्स हैं शॉर्ट में, तो उसमें नाइस जितने भी फैक्ट्स वगैरह हैं वो सब उसमें मैंने लिखे हुए हैं। नाइस, बढ़िया है वो, बहुत अच्छा। फिर तो ठीक है, मैं आपको एक काम करूंगा, जो कीवर्ड्स है ना एंशिएंट मेडिवल वाले जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसका एक सिविल स्टडी का एक कंपाइलेशन है, मैं आपको एक्सेल शीट का लिंक शेयर कर दूंगा। हाँ मतलब जैसे कुछ टर्म्स होते हैं जैसे जो मिलिट्री के या जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज हुए हैं मेडिवल टाइम में या एंशिएंट पीरियड में, तो उसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे कुछ कभी कभी ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमने नहीं देखे होते हैं, या मतलब इवन एनसीईआरटी में भी नहीं दिए हुए हैं वो टर्म्स, तो वो ज्यादातर जैसे कि जब टेस्ट सीरीज देते हैं या टेस्ट देते हैं तो उनमें वो टर्म्स आते हैं, तो या फिर मतलब जैसे पेपर भी जो पिछला वाला हुआ था तो उसमें भी कुछ ऐसे टर्म्स आए थे जो मिलिट्री के टर्म्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर जो टर्म्स यूज होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा और उसमें आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे सारे कीवर्ड्स जितने भी हैं एंसेंट मीडिया के। ठीक है, तो आप वो कर लीजिए। इसके अलावा एक मैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज का वो करा रहा हूँ, तो बेसिकली से मैं क्या कर रहा हूँ ना कि जो भी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है गवर्नमेंट की, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आरबीआई के जो भी एफएक्यूज वगैरह हैं वो डिस्कस किए थे, हाँ तो आप एक बार अगर गो थ्रू कर सकते हैं हैबिटेट के सेशंस तो उसको गो थ्रू करिए, वैसे तो ज्वाइन के लिए ज्यादा अच्छा है, मतलब हाँ नहीं थर्टी वो मैंने देखे हुए हैं, देख लिया है वो, मैं सारा हाँ कवर किया। तो 30-35 मिनट होता है वो, बस मैंने रखा है थोड़ा सा ब्लो ऑफ करने के लिए कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ आप लोग। तो 9 बजे के अराउंड सब लोग थोड़ा स्ट्रेस होते हैं, तो उस टाइम पे मैंने रखा है रात को 9 बजे के अराउंड कि थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाओ आप लोग। और वहां पे मैं ऐसे ही कर रहा हूँ कि सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स को उठा के करूँगा, जैसे अभी वो किया है, अब अभी पॉलिटी ओके स्टार्ट हो रहा है तो पीआरएस उठाऊंगा, मैं पीआरएस को उठा करके कराऊंगा कुछ टॉपिक्स। ठीक है, आज कराऊंगा कल कराऊंगा परसों से, फिर इकोनॉमी स्टार्ट होगी तो 3 दिन ओके इकोनॉमी 3 दिन पॉलिटी है, फिर इकोनॉमी उठाऊंगा तो आरबीआई के कुछ टॉपिक्स अभी रह गए थे वो कराऊंगा, और देखता हूँ उसमें काफी कुछ है अभी, जैसे आपका एग्रीकल्चर वाला है मिनिस्ट्री का, उसके एफसीआई के वेबसाइट का एक पेज बाकी है तो मैं सारा वो करा कर वहां पे, और वहां से बस गो थ्रू कर लीजिएगा, जो नया लगे उसका आप नोट्स बना सकते हैं वहां पे। ठीक ओके है, तो यही सारी चीजें हैं, आप एक बार ये आपका साइंस हो जाए तो आगे हम प्लान करते हैं, फिर एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल रखेंगे और कोशिश। वैसे तो आपका अभी तक टारगेट एक भी मिस नहीं हुआ, आपने सारा टाइम टू टाइम फॉलो कर लिया है। हाँ मतलब लगभग तो सारा हो ही गया है, तो बाकी पिछले 1 ईयर का तो करंट अफेयर्स कवर हो गया, जो 2021 का था जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, तो अब इस अभी जो इस साल का 2022 का जनवरी और फरवरी का रहता है अभी, तो वो भी कवर हो जाएगा, मतलब उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मतलब एक तो उसमें जनवरी में थोड़ा सा ज्यादा वो है करंट अफेयर्स, लेकिन फरवरी में करंट अफेयर्स उतना था नहीं ज्यादा, तो उस हिसाब से बस ये टू जो 2022 के 2 मंथ्स हैं, और अब मार्च का जो अभी अभी तो नहीं आया, तो मार्च जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी रिलीज हो जाएगी, तो अभी सिर्फ ये 2 मंथ्स का रहता है। ठीक है, ये हमने वैसे भी टारगेट तो किए थे कि 15 अप्रैल तक चलेगा हमारा ये साइकिल, तो स्टैटिक तो कंप्लीट हो गया 31 तक, 2 मंथ्स के करंट अफेयर्स, यानी कि अगर 2 दिन पूरा देंगे तो 2 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा, मतलब वी आर ऑन टाइम, कोई बल्कि थोड़ा सा पहले ही जा रहे हैं हम लोग, 10 अप्रैल तक का हमारा था ये सब, तो हाँ अच्छा ही चल रहा है। ठीक है, आप एक टेस्ट दीजिए। ठीक है, और अगर टेस्ट देके अगर आप यहाँ पे आके डिस्कस करेंगे सेंटर पे, तो मैं सेंटर पे हूँ, यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, ओके अच्छा सर, जैसे कि कुछ मतलब जैसे कि अभी तो काफी टाइम से मैंने टेस्ट नहीं दिया था, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स कवर करने में लगा हुआ था, तो वो पिछले पूरे 1 साल का मैंने कवर कर लिया है लगभग, तो उसको कवर करने में काफी टाइम लग गया, मतलब 10 मार्च से मैंने स्टार्ट किया था करंट अफेयर्स को कवर करना, जब आपसे आखिरी बार बात हुई थी तो इकोनॉमिक्स कवर करने के बाद पूरा,
उसके बाद वो इकोनॉमिक्स का मैंने टेस्ट भी दिया था तो वो आपको मैंने भेजा था। उसके बाद फिर मैंने 10 मार्च से जो है पूरा करंट अफेयर्स कवर करना स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम जनवरी 2021 से। तो वो कवर करते करते अभी मुझे कल ही मैंने वो खत्म किया था, मतलब पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर्स। तो वो अब फिर आज मैंने एनवायरनमेंट स्टार्ट कर दिए, तो एनवायरनमेंट मैंने 50% कवर हो गया है, तो कल तक एनवायरनमेंट भी खत्म हो ही जाएगा। तो बाकी फिर इसमें साइंस एंड टेक बचा हुआ है थोड़ा सा, वो शायद 31 मार्च तक कवर हो जाएगा, और फिर उसके बाद इसमें सिर्फ एंशियंट और मेडिवल बचा हुआ है, तो वो शायद कवर करने में 6 to 7 days लगेंगे। वैसे नोट्स अगर बने हुए हैं तो मतलब वैसे कवर करने में तो कम टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि वो याद नहीं है तो उसको थोड़ा याद करने के लिए भी, टर्म्स को याद करने के लिए तो कम से कम 2-3 बार वो पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए 6 to 7 days तो लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी जब स्टार्ट करते हैं अप्रैल से नेक्स्ट साइकिल 1 तारीख से, तो हाँ तो मेरा 6 से 7 अप्रैल तक सारा कवर हो जाएगा। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट हर कोई इसी के राउंड कंप्लीट कर रहा, सबको ये टारगेट था 10 के आसपास ही था। ओके ठीक है, तो अच्छा है, फिर इसके बाद हम लोग अपना बना लेंगे आगे का जो भी है 25 डेज। हाँ फिर तो मतलब इसके अगले नेक्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन स्टार्ट करना होगा। तो 60 दिन का कैसे प्लान करना है? 60 दिन भी नहीं होंगे हमारे पास, कम ही होंगे, 55 डेज का रखेंगे। लेकिन सर सेकंड राउंड ऑफ रिवीजन में फिर इतना टाइम भी नहीं लगेगा ना जितना कि फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन में लगा है, इतना नहीं लगेगा। तो वो तो मेरे ख्याल से 15 डेज इनफ होंगे एक राउंड को कवर करने के लिए। 3 राउंड है ना, 15-15-15 करके 3 राउंड रखेंगे और 10 दिन का एक राउंड रखेंगे। हाँ तो वो तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं टाइम ज्यादा नहीं लगेगा क्योंकि टॉपिक भी बहुत डिसाइडेड होगा हमारा, और आपको मेनली ये देखना है, आपकी एक राउंड में देखना है कि कितना पढ़ा हुआ था वो याद है, नहीं अगले में ये भी देखना है साथ साथ में कि जो मतलब क्या क्या छोड़ रखा था, जो भूल रहा है मतलब, क्योंकि 100% तो याद नहीं होता है, तो क्या क्या मिसिंग है वो फाइंड आउट कर लें। थर्ड राउंड में फिर से रिवीजन कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कुछ छूट रहा होगा, तो एटलीस्ट स्टैटिक कवर है ना, तो हमने जैसे डिस्कस किया था उस दिन, तो आराम से आपके 52 to 53 क्वेश्चंस आपके यहाँ से सिक्योर हैं सारा मिला जुला करके। और अगर किस्मत अच्छी रही, हिस्ट्री आपको स्ट्रॉन्ग भी है, तो हम हो सकता है 57-58 तक चले जाएंगे हिस्ट्री के कोर्स ज्यादा बन गए। 52 तो हमने तब किया था जब हिस्ट्री नहीं बनेगा। हाँ वो बात हुई थी आपसे जो लास्ट टाइम। हाँ तो हिस्ट्री का आपने 3 क्वेश्चन से लिया था, एंशिएंट मेडिवल और ये मिला करके मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। हाँ ठीक है, तो अगर हिस्ट्री का और अच्छा हो गया तब तो प्लस पे ही जाएंगे, माइनस में तो नहीं आएंगे। ठीक है अच्छा सर, ये जैसे कि अब अगर नेक्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन होगा तो सर जैसे कि अगर क्वालिटी हमने माने लक्ष्मीकांत हमने कवर की, तो उसके बाद हम फिर उसको कंटिन्यूअस रिवीजन में रखेंगे, अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी ऐसे कर रहे हैं जैसे कि अगर क्वालिटी के बाद इकोनॉमिक्स अगर पढ़ने बैठ रहे हैं तो उसके साथ में हम पहले क्वालिटी का भी रिवीजन साथ में करते रहेंगे, ताकि वो मतलब आउट ऑफ टच या आउट ऑफ उसके ना जाए। 1 घंटा हमें उसको देना पड़ेगा डेली, हम पहले क्वालिटी करेंगे और उसके बाद क्वालिटी प्लस 1 घंटा मतलब इकोनॉमी प्लस 1 घंटा पॉलिटी सपोज। तो इस बार अगली बार ना ऐसे करेंगे, पॉलिटी किया उसका जब इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे तो इकोनॉमी हिस्ट्री और उसके साथ पॉलिटी करेंगे, सब में 2 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है तो दो दो कर लेंगे और पहली बार में सिर्फ 1 रखेंगे। मैं बताऊंगा कैसे इसको करना है, ये बहुत इफेक्टिव है। ठीक है और मैं आपको एक वो भी बताऊंगा कैसे फिल्टर करना है कि क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके तो उसके लिए मैं अभी सबका एक मीटिंग लूंगा गूगल मीट अप्रैल में 5-6 को, तो आप लोग को बताऊंगा कि कैसे मतलब आप 100% पढ़ नहीं सकते ना बार बार, तो फिल्टर करना होगा ना क्या पढ़ना है क्या नहीं। अच्छा सर, जैसे कि आप तो मतलब कोचिंग में मतलब आप ऑफिस में अवेलेबल हैं, तो जैसे कि कुछ टेस्ट है मेरे जो मतलब इसके अदर इंस्टीट्यूट्स के जैसे कुछ टेस्ट थे, तो वो आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहता था, तो वो मतलब हम डिस्कस कर सकते हैं। आप लेते आना, मैं कर लूंगा डिस्कस, कोई इशू नहीं। मतलब जैसे मतलब कुछ आंसर तो मुझे पता ही है उनके आंसर तो, क्योंकि वो उसके साथ ही आते हैं, लेकिन मतलब जैसे कि क्या गलती हो रही है या क्या, मैं समझ रहा हूं अप्रोच। ठीक है कोई इशू नहीं, कर लेंगे डिस्कशन। मेन पर्पस क्या था, पेपर क्लियर कराना। हां तो वो ध्यान रखना है। ठीक है ओके सर, चलिए ठीक है नमन, फिर आप ये कंप्लीट करके साइंस टेस्ट देके अपडेट करिए, और जब भी आप ऑफिस आना होगा तो मुझे बता दीजिए। ठीक है
ओके सर, चलो ठीक है फिर, बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, वेलकम. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Seville's Daily.